बात क्रिकेट मैच की। भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर चैंपियन बन गई है। रोहित शर्मा की सेना ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दे दी है। भारतीय टीम ने 7 रनों से जीत दर्ज कर ली है। T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। इस मुकाबले में देखिए इतना रोमांचक ये मुकाबला था कि भारत ने हारी हुई बाजी को जीत लिया। कारण एक समय पर ऐसा भी लग रहा था कि जैसे दक्षिण अफ्रीका जो है वो जीत हासिल कर देगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को 28 गेंदों पर सिर्फ 27 रन की जरूरत थी और 6 विकेट भी हाथ में थे। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कि मैच भारत के हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और मैच को दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से निकाल लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को T20 जीतने के लिए बधाई दी है। पीएम ने उन्हें चैंपियन करार देते हुए क्रिकेटरों को विश्व कप के साथ साथ करोड़ों लोगों का दिल भी जीतने की बात कही। इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉल कर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उन्हें बधाई दी है। तो भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने पर पूरे देश में जश्न का माहौल नजर आया। भारत की जीत से बॉलीवुड भी झूम उठा। अमिताभ बच्चन ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। तो वहीं देखिए अजय देवगन ने लिखा है कि टीम इंडिया की जीत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भारत ने इतिहास बना दिया है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने विश्व विजेता भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें आयुष्मान खुराना, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अभिषेक बच्चन ने भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की शुभकामनाएं दी। वरुण धवन ने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने आगे आकर टीम को संभाला। तो वहीं विराट कोहली को महान खिलाड़ी भी बताया है। आयुष्मान खुराना ने खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आयुष्मान खुराना उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई थी। रवीना टंडन ने भी एक्स पर भारतीय टीम की बधाई दी टीम को और साथ ही उनकी तारीफ भी की। वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद आधी रात से पूरे देश में जश्न का माहौल देखने के लिए मिला। दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में सड़क पर लोगों ने जश्न मनाया है। इंदौर में सड़कों पर लोगों ने जीत का जश्न मनाया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। वहीं देखिए दिल्ली के इंडिया गेट में भी कार के ऊपर चढ़कर लोगों ने जीत की खुशी का इजहार किया है। देश को देखिए जिस तरीके से देश का नाम ऊंचा हुआ, उसके बाद देश के कोने कोने में जीत का जश्न देखने के लिए मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 साल बाद टीम इंडिया ने फिर एक बार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, जिसके बाद पूरे इंडिया में जश्न का माहौल रहा। तो जमीन के ऊपर भी भारत की जीत का जश्न मनाया गया। 30,000 फीट की ऊंचाई पर जब पायलट ने प्लेन के यात्रियों को जीत की खबर दी तो देखिए सब खुशी से झूम उठे थे। ऐसी ही खुशी मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखने के लिए मिली। कल रात एयरपोर्ट के अंदर ही सेलिब्रेशन होने लगा। हवाई यात्रा करने आए इन लोगों की खुशी सातवें आसमान पर देखने के लिए मिल रही थी। एयरपोर्ट के अंदर पागलों की तरह लोग नाचते नजर आए। हर कोई जीत के पल को जीता नजर आ रहा था। तो देखिए बारबाडोस में टीम इंडिया जीती तो उसकी खुशी हर भारतीय को हुई है। देश से बाहर रहने वाले भारतीय भी खुद को रोक नहीं पाए। जीत के बाद दुबई की सड़कों पर अपनी गाड़ियों को लेकर भारतीय बाहर निकल आए। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत के लोगों ने कल दुबई की सड़कों पर भी अपनी टीम की जीत का संदेश दे दिया था। तो 17 साल बाद ICC ट्रॉफी का सपना पूरा हुआ, लेकिन इस सपने के पूरा होने पर भारत के साथ पाकिस्तान में भी जमकर जश्न हुआ है। T20 वर्ल्ड कप की जीत का यह जश्न दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद से नहीं आई, बल्कि बाबर के मुल्क पाकिस्तान से आई है। वाकई इंडिया ने बता दिया कि वर्ल्ड कप कैसे लेके जाते हैं। ऐसा शायद ही पहली बार हो रहा होगा जब कप बॉयज इन ब्लू ने उठाया और जीत का जश्न हरी जर्सी वाले पाकिस्तान ने मनाया। जश्न मनाया जाएगा, देखें ये पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है भाई? क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए कि इंडिया जीत चुका है। पाकिस्तानियों का सपना तो लीग स्टेज में ही टूट गया था, लेकिन ना जाने कैसे उन्होंने भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बाबर के लिए पाकिस्तान ने जितना चीयर नहीं किया, उससे ज्यादा तो ये रोहित कोहली के फैन नजर आ रहे हैं।
आप क्यों नाच रहे हो? विराट कोहली ने कितनी अच्छी बैटिंग की, अपनी टीम को लेके गए हैं। पाकिस्तान में लोग भारत की जीत का जुलूस निकाल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भारत की जीत का जश्न अखंड भारत में मन रहा है। तो देखिए, फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाने के बाद विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया। मैच के बाद विराट ने कहा कि ये भारत के लिए उनका आखिरी T20 गेम होगा। हालांकि देखिए, विराट IPL में खेलेंगे या नहीं इस पर कोई जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आई। विराट के हटने के बाद अब टीम इंडिया में नंबर 3 की पोजिशन के लिए कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए, T20 में अब विराट और रोहित के युग का अंत हो गया है। विराट के साथ रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। बतौर कैप्टन टीम को 13 साल बाद वर्ल्ड कप दिलाने के बाद रोहित ने T20 के फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। अपने आखिरी T20 मैच को यादगार बनाने के बाद रोहित शर्मा ने नए खिलाड़ियों के लिए जगह छोड़ दी। रोहित के संन्यास लेने के बाद अब T20 में भारत का नया कप्तान कौन होगा, इस पर रहेगी नजर। तेरह साल बाद वर्ल्ड कप में जीत मिली तो भारतीय खिलाड़ी अपने इमोशंस नहीं रोक पाए। साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराने के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू नजर आए। हार्दिक पांड्या, रोहित, विराट, लगभग हर प्लेयर की आंखों में जीत की खुशी देखने के लिए मिल रही थी। ODI वर्ल्ड कप में जीत की दहलीज पर आकर हारने के बाद रोहित सबसे ज्यादा निराश हुए थे। इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे।